ओके सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं यूनिवर्सल स्टूडियो में। लास्ट में आई थी 2018 में, एंड इट्स बीन 5 ईयर्स नाउ जब मैं यूनिवर्सल स्टूडियोज़ गई थी इन US, बट दिस टाइम इन सिंगापुर यूनिवर्सल स्टूडियोज़, बिकॉज मेरा दोबारा से जाने का बहुत मन है। और पहली बार का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो सुपर डुपर गुड था। इतनी प्यारी जगह है ये, यहाँ पे एक बड़ा भी छोटा सा बच्चा बन जाता है। मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। एक तो मुझे राइड्स देख के ये बना, हाँ ऊपर से बना इसके तहत। ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सिमरन मलिक फ्रॉम रजिस्टर्ड लेसी। मैं खड़ी हूँ सिंगापुर में, और अगर आप ये लोग वीडियो देख रहे हो तो आई एम श्योर दैट यू आर प्लानिंग फॉर गोइंग टू यूनिवर्सल स्टूडियो। मैं जा रही हूँ आज day 3 इन सिंगापुर, एंड वी हैव ऑलरेडी प्लान टू होली डे इन इंडिया। सो वी थॉट कि होली तो हर कोई मनाता है, रंगों से हर कोई रंग जाता है एक दूसरे को, बट आई शुड प्लान समथिंग डिफरेंट बिकॉज आई डोंट लाइक मच दिस होली फेस्टिवल इन इंडिया। तो मैं आ गई हूँ सिंगापुर में अपनी होली की छुट्टियों को मनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि होली वाले दिन कुछ एक्स्ट्रा और कुछ अच्छा प्लान किया जाए फॉर सेलिब्रेटिंग दिस। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स यूनिवर्सल स्टूडियो। सो वी गॉट टुडे एट यूनिवर्सल स्टूडियो, इट इज़ हार्डली 10 मिनट्स अवे फ्रॉम आर रिजॉर्ट। वी आर स्टेइंग इन सिलोसा बीच रिजॉर्ट, जो कि यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे यूनिवर्सल स्टूडियो है। लेट्स गो चेक आउट हाउ इज यूनिवर्सल स्टूडियो इज ऑल अबाउट। ओके सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं मोनो रेल की तरफ। हमने बीच से ट्रैम ली थी, एंड देन ट्रैम से सीधा आके हम यहाँ पे मोनो रेल जा रहे हैं। ट्रैम फ्री ऑफ कॉस्ट थी, मोनो रेल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो अमेजिंग, थैंक यू सिंगापुर गवर्नमेंट दैट वी आर ट्रैवलिंग टू योर सिटी विदाउट पेइंग एनी चार्जेस फॉर ट्रैवल। वी आर गोइंग टू यूनिवर्सल स्टूडियो विदाउट एनी चार्जेस, पेइंग ऑन द कैब, टैक्सी एंड एनी वेयर। सो इट्स अमेजिंग। Doors are closing. Look at this. तो गाइस, अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए। लुक एट दिस, ये मोनो रेल में हम लोग बैठ के आए हैं अभी। सो गाइस, फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं यूनिवर्सल स्टूडियो में। एज यू कैन सी, लुक एट दिस ब्यूटी, जिसके लिए लोग दूर दूर से यहाँ तक आते हैं जस्ट टू सी दिस व्यू। And that's super duper cool. I want a picture there. मैं 5 साल पहले आई थी, वो भी US के यूनिवर्सल स्टूडियो में गई थी। तो सिंगापुर का यूनिवर्सल स्टूडियो कैसे आप देखते हैं, हाउ बिग इज इट, हाउ स्मॉल इज इट, हाउ मेनी राइड्स आर देयर, और कैसा रहेगा, लेट्स सी। ओके तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं यूनिवर्सल स्टूडियो में। 18 में आई थी, इट्स बीन 5 ईयर्स नाउ जब मैं यूनिवर्सल स्टूडियो गई थी इन US, बट नाउ दिस टाइम आई एम एंटरिंग इन सिंगापुर यूनिवर्सल स्टूडियो। मेरा दोबारा से जाने का बहुत मन है, बिकॉज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। देखते हैं कौन कौन सी राइट होगी, देखते हैं कौन कौन से कार्टून करेक्टर्स होंगे, देखते हैं कौन कौन सी पिक्चर्स हम लोग ले पाएंगे। हाउ इज दिस प्लेस एंड व्हाई पीपल आर हियर, why this janta is all here and why people love being here. Let's go. Okay so guys, enter kar chuke hain universal studio mein, aur bahut hi ek alag hi duniya hai ye universal studio. Chahe iski streets hai, chahe iski shops hai, chahe iska khana hai, chahe iski everything is, aisa lagta hai ki aap cartoon character ke andar ghus gaye ho ek tv ke andar, aur jisme sab kuch कार्टूनिश वर्ल्ड है। लेट्स गो इनसाइड, लेट मी एंजॉय माय वर्ल्ड नाउ, लेट्स गो इनसाइड। यही जगह एंजॉय करने वाली है, पता है?
प्यारा मिरर है आकांक्षा। क्या करवाने वाले हो? मैं बता दो तो मुझे। क्या हो गया सुमन को? क्या हो गया? अरे हवा में हो गया क्या? But he has never faced field duty before, much less in your mission go. So you need to thank and blame. Yeah.
हाँ ऊपर से तो बना इसके तो गुड़ी यार जिसमें दम है ना वो इंसान 60 यूं पकड़ेगा सेट में कर दूंगा। हाँ एक्सप्रेस पास जिसकी वजह से हम लोग को इतनी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ा उससे हम बच चुके हैं। और ये एक्सप्रेस पास लेने का ये फ़ायदा हुआ है कि एक्सप्रेस पास हमें पड़ा है ऑलमोस्ट डबल प्राइस ऑफ द एंट्री टिकट। सो यूनिवर्सल स्टूडियो की एंट्री टिकट हमें पड़ी थी 4500 की और एक्सप्रेस पास भी ऑलमोस्ट सेम। सो मोटा मोटा 10,000 रुपये हम लोगों ने खर्चा किया है जिसका कॉस्ट हमें सिंगापुर यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए पड़ा है। बारिश आ रही है और बहुत ही प्यारा मौसम हो चुका है। सो गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल, कॉमेंट करो, सब्सक्राइब करो और बहुत सारा प्यार दो। बहुत सारी मेहनत करिए आप लोगों के लिए इस ब्लॉग के लिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, बाय बाय। इनके साथ डाल रहा है क्या? हाँ देखो लाइन देखो दोस्त, गाइस लाइन देखो गाइस। यूनिवर्सल कहते हैं एक्सप्रेस पास का फल। अरे मैं जेम ही रख रहा हूँ। एन एडवेंचर 65 मिलियन इयर्स इन द मेकिंग। सो अभी लगी है सबको भूख, हम लोग जा रहे हैं फूड कोर्ट की तरफ, डिस्कवरी फूड कोर्ट। लेट्स गो इनसाइड एंड चेक आउट हाउ इज द फूड हियर। So guys, मैं अभी ये राइड लेके आई हूँ, बहुत ही मस्त, बहुत ही क्यूट सी थी। लुक एट दिस सिटी, मतलब ऐसा लगता है आप किसी अलग ही वर्ल्ड में एंटर कर चुके हो।
और बहुत ही सुंदर सुंदर शॉप्स, बहुत ही सुंदर सुंदर स्टॉल्स, बहुत ही सुंदर सुंदर कैफेज, बहुत ही सुंदर सुंदर, मतलब मैं बोलना चाहती हूँ, आई मीन इट इज़ अ फैंटेसी वर्ल्ड विच नो वन शुड मिस टू कम आउट. हर एक इंसान ने अपने बचपन में कुछ ना कुछ कार्टून करेक्टर्स देखे ही होते हैं, और कुछ नए भी आते हैं जो हर एक की जनरेशन के हिसाब से अलग हो जाते हैं, बट यहाँ पे कोई भी आता है तो वो अपनी जनरेशन छोड़ के हर कोई बच्चा बन जाता है. सो दिस लोकेशन इज़ नॉट टू बी मिस्ड व्हेन यू आर इन सिंगापुर. मस्ट 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 कम. सबसे बड़ी राय ready. Please line up over there. Heart shape le le. Ye elephant lag raha hai. Ye fall in love at first sight. Garden of the heart. Ye le. Heart. You know that from So it's an automatic vending machine for candy floss in Universal Studio. Or before we get something. Can you hold this? Then just keep locking it somewhere else. Thank you.
पहाड़ों लग रहे हैं सामने। बनी पार्क है, बनी पार्क जो भी है मुझे नहीं पता। इसकी भी एंट्री है हमारे पास? नहीं, फ्री भी हो सकता है। कसीनो नीचे है।